major difference I would say is के जब primary market में कोई stock होता है तो जो भी पैसा investor pay करता है वो जाता है सीधा कंपनी के पास जो कंपनी के किसी ना किसी एक्सपांशन या तो फिर रेगुलर फंड रिक्वायरमेंट के अंदर यूज होता है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब भी ट्रेड होता है तो वो एक इन्वेस्टर खरीदता है और दूसरा इन्वेस्टर बेच रहा है तो एक इन्वेस्टर के पास से दूसरे इन्वेस्टर के पास वो पैसा जाएगा जो भी डिफरेंस होगा ये हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस हो वो इन्वेस्टर को यहाँ पे बेयर करना है तो जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ एक प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टर के पास जाता है दूसरा एक डिफरेंस प्राइस का भी होता है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर जनरली एक प्राइस डिसाइड किया जाता है जिसके अंदर एक फ्लोर प्राइस भी होता है एक अपर प्राइस होता है तो एक प्राइस ऑलरेडी डिसाइड होता है जिसके अंदर ही आपको बिड करना है और वही प्राइस पे आपको आपका शेयर अलॉटमेंट भी होगा हालांकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो भी डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट के अंदर उस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो तय करते हैं कि कौन सी प्राइस पे यहाँ पे एंट्री या फिर एग्जिट होगी तीसरा एक जो डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट वो है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं कि फिजिकल फॉर्म में हम सब्सक्राइब करते हैं अभी जो नई आप पिछले एक दो साल से यदि आप देखेंगे तो ऑनलाइन भी ये मार्केट एक्सेस किया जा सकता है हालांकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो फिजिकल फॉर्म्स यहाँ पे फिल करते हैं और उसके द्वारा ही आपको नए शेयर्स इश्यू होते हैं हालांकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर इट इज़ प्योरली ऑनलाइन या तो आप अपने ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड कर सकते हो या तो फिर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो